अनुसूचित संगठन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि सरकार 20 सितंबर तक अनुसूचित जनजाति के अधिकांश कर्मचारियों के संबंध में सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो संगठन पूरे महाराष्ट्र में भूख हड़ताल करेगा। हालांकि चूंकि सरकार ने इस संबंध में कोई नोटिस नहीं लिया, इसलिए नागपुर जिलाध्यक्ष दामोदर खड़गी ने जानकारी दी है कि सोमवार 26 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए आज चंद्रशेखर बावनकुले ने आंदोलनकारियों से भेंट कर राज्य सरकार के पास प्रस्ताव रखने का आश्वासन दिया है। अफरोह के आंदोलन को आज बावनकुले ने भेंट देकर सरकार के समक्ष आंदोलनकारियों की मांग रखने का आश्वासन दिया है, तो दूसरी तरफ आंदोलनकारियों का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह का ठोस आश्वासन हमें सरकार की ओर से नहीं मिला है, जिसके चलते ये आंदोलन मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक जारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि अनुसूचित जनजाति अधिसंघ कर्मचारियों की मांगे कब तक पूरी होती है। मुंबईला सुद्धा 69 दिवस हे आंदोलन चाललं मागच्या सरकारमध्ये, आणि पुन्हा एकदा सर्व कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारी आंदोलनाला या ठिकाणी बसलेले आहेत। भावना तीव्र आहेत, तातडीनं शासनानं बैठक लावली पाहिजे आणि आमचे प्रश्न सोडवले पाहिजे अशी तुम्ही मागणी आहे, कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे। मी प्रवीण दटके विकास कुंभारे आधीच यापूर्वीच या प्रश्नाला माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे हा प्रश्न निकाली निघावा म्हणून पत्रव्यवहारी केली आहे, चर्चाही केली आहे। मला वाटतं की पुन्हा एकदा या संपूर्ण कर्मचाऱ्याच्या प्रश्नाचा फॉलो सरकारकडे करणे आणि जास्तीत जास्त प्रश्न निकाली काढणे, जात पडताळणी समिती करणं होणारे अन्याय बघतो त्यावर काय मार्क काढता येईल, कर्मचारी जे रिटायर्ड झाले त्यांच्यावर काय मार्क काढता येईल, रिटायर्ड होणारे आहेत त्यांच्यावर काय मार्क काढता येईल याबद्दल निश्चितपणे, कारण शिंदे फडणवीस सरकार हे तत्पर आहे, त्यांना संपूर्ण पक्षाचं ज्ञान आहे, तर निश्चितपणे जास्तीत जास्त आणि लवकरात लवकर काय या प्रश्नाला न्याय मिळेल याची काळजी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज, नागपूर।